आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि आज हम लेने वाले सोनी अल्फा मार्क 4। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कैमरा मैंने बहुत मेहनत के बाद लिया है और बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत स्किल्ड बनने के बाद लिया। बट इससे पहले मैं यूज़ करता था सोनी अल्फा 6300 जो कि अभी शूट हो रहा है। ये कैमरा बेस्ट कैमरा है, ये मैंने सेकंड हैंड लिया था आज से 3-4 साल पहले हमारे सलीम भाई से MSK व्लॉग्स, और 3-4 साल मैंने इस पर बहुत घसा है। लिटरली मैंने कैमरा का इन एंड आउट सीख लिया, इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इस कैमरे से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए और उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जो अमाउंट आया उससे हमारे ये आया। और ये कैमरा सबसे बेस्ट कैमरा है बिगनर्स के लिए और कम बजट के लिए। इसमें 4K है, मतलब हर एक चीज़ है जो इसमें है, बस ये सिर्फ एडवांस लेवल पे और इसका बेबी वर्जन वो वाला है। बट अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हो उससे भी बड़े बड़े आ रहे हैं, और उसके लिए मुझे फुल फ्रेम कैमरे की बहुत ज़्यादा नीड थी, इसे फुल फ्रेम कैमरा बोलते हैं। और मैंने पिछले बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने कैमरा रेंट्स किए हैं। एक बार तो लिटरली मैंने 16,000 रुपये रेंट भर के आया था, मुझे रिसेंटली याद है, और मुझे इतना दुख हुआ कि 16,000 का रेंट कसम से, मतलब सिर्फ कैमरे का नहीं था, लेंस वेंस सब कुछ चीज़ों का था। अभी हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये जो कैमरा मेरा ड्रीम कैमरा था फुल फ्रेम कैमरा, वो भी इतना महंगा, भाई साहब बहुत महंगा है, 3 लाख+ का है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसके डिलीवरी के लिए, तो अब मैं आपको शामिल करना चाहूंगा मेरे उस बेस्ट मोमेंट में जब मैं इसका डिलीवरी लिया। 3 साल का वारंटी, चार्जर का केबल, थोड़े और लव लेटर सोनी की तरफ से हमें। ओके, ये कभी यूज भी नहीं आता। तो बैटरी, जी चार्जर है ना वो वाला छोटा चार्जर है इसका केबल, तो ये हो गया चार्जर बेसिकली। अब निकलेगा खजाना, मानी नहीं रहा बाहर आने के लिए, अभी भाव खाएगा थोड़ा सा। फाइनली हमारा A7M4, मतलब मार्क 4। भाई साहब कितना वेट कर रहे हो तेरे लिए। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो कैमरे का जो सेंसर है वो 33 मेगापिक्सल का है, मतलब समझ लो बहुत बड़ा उसका सेंसर है। उसके बाद ये 7K रिकॉर्डिंग देता है, 7K समझ लो लोगों के लिए 4K बहुत बड़ा हो जाता है। और इसमें जितने बटन से वो सारे के सारे कस्टमाइज है, मतलब मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग बटन को क्लिक फोटो क्लिक के लिए रख सकता हूँ, और जो फोटो क्लिक के लिए बटन है उसको मैं एज ए रिकॉर्डिंग बटन यूज कर सकता हूँ। और इसका जो व्यू फाउंडर है ना वो सबसे बड़ा है अभी तक का। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है इसके अंदर के जो पोर्ट्स है वो, ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है वो माइक का पोर्ट है, उसके बाद नीचे जो दिख रहा है वो हेडफोन जैक पोर्ट है, USB-C दिया हुआ है डेटा ट्रांसफर के लिए और चार्जिंग के लिए, देन नीचे माइक्रो USB दिया हुआ है वो भी चार्जिंग और डेटा पर्पस से है। इसके अंदर फुल साइज HDMI दिया हुआ है, क्योंकि जो मैं अभी जिस कैमरा शूट कर रहा हूँ 6300 उसमें माइक्रो HDMI था, और जनरली ना हर जगह पे माइक्रो HDMI अवेलेबल नहीं होता, उसका अलग से केबल आता है, थोड़ा झंझट है। और मेरी फेवरेट पार्ट, इसके अंदर फुल्ली फ्लिपेबल स्क्रीन आता है। मेरी वाले सोनी का पूरा फ्लिप नहीं होता बट इसका पूरा फ्लिप होता है, सेल्फ व्लॉगिंग में काम आएगा। हाँ ये सब टर्न होता है। अब इसमें जब मैं व्लॉग करेगा मैं अपने आप को देख पाएगा। अभी इससे ज्यादा हम टेक्निकल इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा टेक्निकल चैनल है नहीं। अभी हम बात करने वाले हमारे लेंस के बारे में, जो कि है सिग्मा 24-70 2.8। समझ रहे 2.8 मतलब कितना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, कितना ज्यादा शार्प फुटेज मिलने वाला है। 2 साल की वारंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारे लव लेटर्स। ओके, और उसके साथ ये हुड भी आता है। इसका वेट है मेरा बॉडी से भी ज्यादा है, ये फुल्ली मेटल बॉडी है और बहुत हेवी लेंस है भाई, लिटरली बहुत हेवी और बहुत महंगी भी है। जब दोनों एक साथ लग जाते हैं ना, जब कैमरा लेंस पे लग जाता है भाई, इतना हेवी सेटअप हो जाता है। मैंने अभी जब ट्राई किया था आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए, मेरे को फील हो रहा था कि कितना हेवी कैमरा है। मेरे को अभी जिम के अंदर 5 किलो वाला डंबल्स और एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा। और मैंने यही लेंस क्यों लिया, क्योंकि मैंने पहले सोचा था इसके साथ ना 50mm ले लेंगे, पर बजट के ऊपर जा रहा था। कितने बेचा इसके भी, कितने बेचा क्या? सब बच गए थे, एक लेंस कम लिया ना, 50mm लेता तो इसका भी जाता। बट ये लेंस महंगा और लेना क्यों जरूरत था, क्योंकि मैं ना प्राइम लेंस कैसा है, आप एक ही फोकल लेंथ यूज कर सकते हो, मतलब अगर तुम 50mm यूज कर रहे हो तो उसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, वाइड एंगल शॉट नहीं ले सकते, ज्यादा क्लोजअप शॉट नहीं ले सकते। इसके लिए मैं ऐसा एक लेंस देख रहा था जो वाइड का भी काम करे, क्लोजअप का भी काम करे और अच्छा खासा एपर्चर भी दे, तो मेरे को सब कुछ कवर हो रहा था। तो फर्स्ट लेंस ये परफेक्ट लेंस है। चलो अब तो हो गया लेंस, अब बात करते हैं कि चार्जर के बारे में, क्योंकि इसके साथ आया है
ये फास्ट चार्जर, मेरा रिंग निकलने वाला था ऑलमोस्ट, ये ज़्यादा नीडेड था। चार्जर का वायर, सेकंड चार्जर का और थोड़े लव लेटर्स। ये चार्जर ये भी देखा रहेगा आपने, ये हमें फ्री में मिला है। इसके अंदर ऑलरेडी एक चार्जर आता है, आपने देख लिया है। ये जो चार्जर है अलग से मिलता है सोनी की तरफ से, फास्ट चार्जर। और इतने बड़े बॉक्स के अंदर पता है चार्जर कितना सा है, बस समझ लो कितना सा चार्जर है, इतना बड़ा बॉक्स। इसके साथ हमने दो चीज और एक्स्ट्रा लिया, हम कार्ड लिया गया क्योंकि ये बड़ा कैमरा है और इसमें हमारा नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं चलता है, ब्रांड न्यू लेंस है। तो इसका जो सामने का ग्लास है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक ये यूवी फिल्टर भी ले लिया। और भी चीजें हमारे साथ, कैमरा बैग फ्री मिला है, ये बैग है ये सबको मिलता है, मतलब ये बहुत ट्रेडिशनल बैग है। ये बैग मैंने पहले बहुत यूज कर चुका हूँ, एक लेंस और एक कैमरा कैरी करने के लिए, छोटा मोटा चार्जर भी कैरी करने के लिए ठीक है। ये पहली बार लेंस लग रहा है हमारे बॉडी पे, एक आवाज आएगा सुकून। मेमोरी कार्ड भी लगा के एक बार ट्रायल ले लेते हैं। ये पहली बार जा रहा है मेमोरी कार्ड और ये पहली बार जा रहा है बैटरी। छोटा सा हम क्वालिटी का डेमो देखेंगे, तो ये जो क्वालिटी देख रहे हो सोनी 6300 की है, मेरा पहला कैमरा। ये आईफोन 12 की है, ये हमारे नए कैमरे की है। आई एम श्योर कि तुमको डिफरेंस दिखता रहेगा, बैकग्राउंड में तगड़ा ब्लर होता रहेगा। 2.8 है। अभी थोड़ा कैमरा बंद करते और निहारते चीज़ों को डिटेल्स में। सोनी अल्फा मार्क 4, यही मैंने कैमरा क्यों लिया, क्योंकि कैमरे ना तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिर्फ फोटोग्राफी के लिए होता है, जैसे कि सोनी की आर सीरीज है। एक होता है सिर्फ वीडियो के लिए, जैसा सोनी का यस सीरीज है, यस 3 सुपर हिट मॉडल है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कैमरा, जो फोटो और वीडियो का काम इक्वली बहुत तगड़ा करता है। ये परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है क्योंकि इसके अंदर जो स्विचेस दिए हुए, डायरेक्ट हम इसको स्विच कर सकते हैं फोटो से वीडियो, वीडियो से फोटो, और इसके प्रोफाइल चेंज नहीं होते। सेटिंग जो तुमने फोटो क्लिक करके रखा वही रहता है, जो तुमने वीडियो क्लिक करके रखा है वही रहेगा। और इसका सेंसर भी काफी बड़ा है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये जो है अब भी रिलीज हुआ है, आई गेस एक साल पहले रिलीज हुआ है, तो इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी और जितनी भी चीजें यूज हुई है ये सब नए टेक्नोलॉजी के बेस पे है। तो ये अगले काफी सालों तक पुराना नहीं होने वाला, इसका टेक्नोलॉजी पुराना नहीं होने वाला, और इस पे जो अपडेट आना है वो भी आते रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हर एक मॉडल का एक टाइम के बाद अपडेट आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैमरा है सोनी 6300, जो जिसका भी शूट करो वो उसका अपडेट आना बंद हो गया। अभी इतना जब सामान ले लिया है, मतलब बॉडी लिया, लेंस लिया, सब छोटी मोटी चीजें ले लिया है, ऑलरेडी हमारे पास एक सेटअप है, तो इतना बड़ा सेटअप रखने के लिए हमारे पास एक अच्छा बैग भी होना जरूरी है। तो विघ्नेश फेंको उसको अभी, जब तक विघ्नेश बैग फेंकते तब तक हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये पूरा थीम बन गया ना इस व्लॉग में, पूरा ऐसा फेंकने वाले आ रहे, सब सारे इक्विपमेंट्स से ऐसा उड़ उड़ के आ रहे। इस बैग का जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर मेरे दोनों सेटअप पूरा बैठ जाएगा, प्लस जो लाइट्स वगैरह है, चार्जर्स है, लेंसेस है, कवर से सब कुछ आ जाएगा। फुल्ली वाटरप्रूफ बैग है, प्लस इसके अंदर लैपटॉप का भी कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसमें पूरा मेरा लैपटॉप भी आ जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि जब हमने इतना महंगा कैमरा लिया, महंगी सब चीज़ें ली है, तो मैंने सोचा था कि एक अच्छा कैमरा बैग होना बहुत ज़रूरी है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे याद है हमारे एक बोरा बाजार में चचा जान है, उनसे बहुत पुराने हमारी दोस्ती है, उनका खुद का कंपनी है फ्यूटेक। तो ये जो आप देख रहे हो फ्यूटेक, ये उनकी अपनी कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चर यहीं पे मुंबई में ही होता है, वो अपने खुद वर्कशॉप में और कारखाने में करता है। तो इसके लिए उनका बैग ना बेस्ट क्वालिटी देता है और सस्ते में देता है, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड का आप बैग ले लो वो बाहर की कंपनी है, तो वो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चर करके इधर भेज रहे तो समझ आओ महंगा है, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें वही क्वालिटी, वही सारे प्रोटेक्शंस और वही सब चीज़ें हमें, वही सारे चीज़ें हमारे चाचा जान बहुत बेस्ट प्राइस और बहुत कम पैसे में देते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, ये उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे बहुत टाइम से इक्विपमेंट्स लेते हुए आया हूँ। बोरा बाजार में इनका शॉप है, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और नंबर होगा। तो हमें एक लाइट की भी जरूरत थी, तो हमने कैमरे से पहले 3 दिन पहले हमने ये लाइट भी खरीद लिया। ये टोटल मुझे 11 या 12 हज़ार में पूरा सेटअप पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने मेरा अपना ड्रीम कैमरा ले लिया। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी डाला था, बहुत लोगों ने मेरे को बहुत सारे विशेष दिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप ग्रोइंग वगैरह वगैरह, तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं ना इमेजिन कर रहा था कि जब मैं इसका डिलीवरी लेगा तब तो मैं रोएगा, क्योंकि फाइनली यार कितने 8 साल हो गए मेरे को फिल्म मेकिंग में, अब जाके फाइनेंस मेरे से मैनेज हुआ कि मैं ब्रांड न्यू ले पा रहा हूँ कैमरा अभी फुल फ्रेम, क्योंकि मेरा पहला जो कैमरा वो सेकेंड हैंड कैमरा था। और भेजो में सच में इमोशनल हो रहा हूँ। तो ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा था कि जब इसका डिलीवरी होगा मैं इमोशनल होगा, बट वहाँ पे इतने लोग थे कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा और मैं खुश ज़्यादा था। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि जब मैं ये वीडियो शूट करूँ उसके दरमियान में इमोशनल होगा, रोएगा, वो भी नहीं हुआ, नहीं घर पे नहीं हुआ। बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा था कि ड्रीम पूरा होने के बाद मैं लिटरली रो देगा,
नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में भर भर के प्यार दो यार, मुझे बताओ कैमरा कैसा लगा, कम बैक वीडियो कैसे लगा। जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो ये मेरा घर नहीं है, जो पुराने लोग हैं उन्होंने नोटिस कर लिया होगा घर नहीं है, तो कौन सी जगह है कमेंट में बताओ। एक टूर आने वाला है, नहीं और डिटेल नहीं बताने वाला मैं, कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अरे वेट 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 वेट, मैं ऐसे वीडियो को एंडिंग थोड़ी करता हूँ, मैं खुद भूल गया, एक साल में एक साल बाद वीडियो आ रहा है ना ये, तो कीप स्माइलिंग। एक फुल फ्रेम हम लेने वाले सोनी अल्फा मार्क 4, तो कल फेंकेगा? अरे भूल के साल तेरे को। अरे अभी हम बात कर लेते हैं हमारे लेंस के बारे में, जो कि है सिग्मा। अरे फेंका कर रहे तू भूल जाता है क्या? इतने बड़े बॉक्स के अंदर पता चार्जर कितना सा है? बस नहीं, उसको भी फेंकने वाला लेगा, पूरा थीमी बना देते फेंकने वाला। तो एक प्लस पॉइंट है कि शांत रहे साले, हमारा बैग फेंकी है और एक पटेक, ये भी तीसरा टेक होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ा, आखिरी आखिरी